गाइस ये वाला हम फर्स्ट टाइम देखे हैं, ट्राई इसको देख रहे हो, ये अपने दुनिया में लापता है। अंगूठा पूरा कट चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे सो हे हेलो एंड वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग गाइस। सो ये वाला व्लॉग हो सकता है कि मेरा आखिरी व्लॉग हो यहाँ सर्वाइवल का, क्योंकि काफी दिन बीत चुके हैं। आपको लिटरली हम रात में बताएंगे, उसे डिस्कस करेंगे। तो बाय द वे अभी व्लॉग को शुरू करते हैं, काफी ज्यादा आपको मजा आने वाला है इस वाले व्लॉग में। ये आप लोग देख रहे हो, इसको धोए हैं और इसको भी हम धोए हैं, ठीक है। अभी इसको सुखा रहे थे, ये तो सूख चुका है लगभग, और भी कोशिश कर रहे हैं इसको सुखाने का धूप के सामने, बट ये हल्का सा सूखा था तो हम इसको पहन लिए। अब ये थोड़ा तेज सूखेगा और इसको इसलिए पहने, व्हाइट शर्ट इसलिए नहीं पहने क्योंकि आप जान ही रहे हो गंदा जल्दी हो जाता है पसीना के कारण। तो अभी तो यही सीन है और हम इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। और वो देख रहे हो आप लोग, कोई बता सकता है कि ये है क्या और इसको यूज में किस लिए लिया जाता है। हमेशा मेरी ट्रेन इस तरफ आती थी, आज अचानक से इस तरफ आ गई, तो फटाफट से अपना सारा सामान बटोरते हैं और चलते हैं। आज लिटरली मैं बहुत लेट हो गया, 10 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है और बहुत सारा काम है हमको। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ना कि ये वाला जो व्लॉग होगा वो 2 दिन का वापस से होने वाला है, क्योंकि आज हम एक दोस्त के घर जाएंगे, ऐसा प्लान तो बन रहा है, बट देखो क्या होता है एग्जैक्टली, हमको भी कुछ आइडिया नहीं है। अगर नहीं बना तो कुछ अच्छा बनेगा व्लॉग, और बना तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनेगा। तो फिलहाल के लिए तो मेरी क्लास चल रही है, अभी 2 मिनट का ब्रेक है, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग से बात करते हैं, यानी कि शाम में। क्लास अभी सीरियस हो रही है, अभी ये सब देख सकते होगे, पूरी चेयर्स बाहर पड़ी। पता है क्या हो रहा है, अभी कॉलेज का छुट्टी टाइम चल रहा है, बस कुछ ही बच्चों का क्लासेस चल रहे हैं, तो ये सारा रेनोवेशन हो रहा है पूरा क्लास हाउस। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्लास कितनी बड़ी होती है क्लास, और सारा ये देखो पूरा एकदम रेनोवेट हो रहा है, ये सब देख लो। तो यही हो रहा है अभी। बाय द वे छुट्टी हो चुकी है मेरी, मेरे साथ प्रॉब्लम ना ऐसा हो सकता है। पता है मेरे साथ क्या हुआ, जिस दोस्त के साथ हम जाने वाले थे उसको मैडम पहले ही निकाल दी क्लास के बाहर, क्योंकि वो प्रॉपर ड्रेस पे नहीं था, ठीक है। तो वो घर चला गया, अब मेरे साथ मेरा प्लान बी है, तो प्लान बी को अंजाम देते हैं। यार पता नहीं इसका क्या दिक्कत है, ये 2 दिन से इधर ही खड़ी है ट्रेन, ये देखो हाई स्पीड में ट्रेन आ रही है। इस घटिया ट्रेन की वजह से ना हमारी जो ट्रेन आती है सुबह में वो ये वाले पटरी पर रुकती है, प्लेटफॉर्म से सोचो इतना दूर, और हमको आज भी सेम यही दिक्कत 2 दिन से ही आ रहा है, हमको उधर से घूम के जाना पड़ रहा है, वो जो दिख रहा है ना उधर से घूम के जाना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी, इसी कारण से हम व्लॉग यूनिवर्सिटी के अंदर ही से शुरू कर रहे हैं। तो ये भी टेंशन ही है मेरे लिए, फाइनली ट्रेन आ गई हमारी। पता है मैंने क्या प्लान बनाया, पहले ड्रेस चेंज कर लेता हूँ उसके बाद आप लोग को बताता हूँ। मार्केट की तरफ तो मैं चल पड़ा हूँ, लेकिन वहाँ से जा रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने जिसको मैंने 2 सीजन से ट्राई नहीं किया, तो सोच लो आप लोग क्या है। मार्केट में तो आ गया मैं, नहीं ये वाले मार्केट में नहीं, रुको मैं ये वाले मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये है सब्जी मार्केट। मुझे बेसिकली लेना है आम और लीची, देखते हैं बेस्ट प्राइस और अच्छा कहाँ पे मिलता है। ये लो जी मिल गया फ्रेश ताज़ा रसीला आम। गाइस ये वाला आम फर्स्ट टाइम देखे हैं, ट्राई तो यही करने का मन कर रहा है, और इसको तो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, ये तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम कन्फ्यूज हैं इसमें और इसमें, तो हम सोच रहे हैं कि यही लेते हैं, एक ये लेते हैं। इसे तो आम देख रहे हो ना, इसी के सिर्फ 50 रुपये मैंने दे दिया। अब लीची देखते हैं, हर जगह मैंने ढूंढ ढूंढ के देख लिया, लीची कहीं नहीं मिल रहा है, लीची बस यहीं पे मिला है, लग रहा है कि ये मनमानी रेट लगाएंगे। भैया कैसे है लीची? लीची 130। हेलो बोले ना, मैंने 60 रुपये के लीची ले लिए हैं आधा किलो। मेरी शॉपिंग पूरी हो चुकी है, अब चलते हैं डायरेक्ट स्टेशन। मैं आ गया स्टेशन पे, फिर से वेटिंग रूम मेरे नाम। लीची अभी टेस्ट करता हूँ आम रात में, क्योंकि आम ठंडा नहीं है, लीची एकदम ठंडा है। मीठा है, मस्त है, कहीं कोई खराबी नहीं, लिटरली में इसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं है। पूरा खाने के बाद अच्छे से बता देंगे जब ये आम खाने लगेंगे तो। ये वाली जो आप ट्रेन सामने देख रहे हो ना, बहुत यादें जुड़ी हैं इससे मेरी, बहुत यादें जुड़ी हैं, सच बता रहा हूँ, क्योंकि यही मेरे घर तक जाती है, मन कर रहा है कि अभी चला जाऊँ, बट यार बहुत कसम से गाइस बहुत याद आ रही है घर की। अब टाइम आ चुका है आम खाने का। गाइस ये डेफिनेटली आम बहुत मीठा है, बट इतना अच्छा ये नहीं लग रहा है, ठीक है। इसका ये वाला साइड देख रहा हूँ ना, ये सड़ा भी हुआ है, सिर्फ ऊपर ही का पका था, तो मेरे साथ ही स्कैम हो गया, बट कोई नहीं, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन मेरे साथ ही क्यों होता है? बट अब जो भी कहो, आम खाने के बाद बहुत गंदा वाला नींद आता है, तो अब जा रहे हैं सोने के लिए सच में। और आप लोगों को तो पता है हम कहाँ सोते हैं, यही हमारा सोने का जगह, बट यहाँ पे नहीं, आगे जाके सोएंगे पब्लिक के बीच में, नहीं तो मालूम चला रात में चोर तो नहीं बट डकैत आके जरूर हमको लूट के लेके जाएंगे। वापस से मैं वहीं पे आ गया जहाँ पे मैं नहाया करता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों, रीज़न ये है कि आप मेरे पैंट पे देख रहे हो ना, वाइट धब्बा,
ये मेरा फॉर्मल पैंट है और इसको कल पहन के जाना है। इसको धो के अभी नहीं रखेंगे तो फिर ये कल सुबह और ज़्यादा डार्क हो जाएगा और गंदा लगेगा, तो इसलिए हमको यहाँ पे धोना ज़रूरी है। हमको पता है ये ख़राब आप लोग को लग रहा होगा, बट क्या ही करें, यहीं पे धोते हैं हम। यहाँ पे अपने पैंट को मैंने फैला दिया अच्छे से, अब जा रहा हूँ यहाँ पे सोने में और आप लोग से डायरेक्ट बात होगी सुबह में कॉलेज के अंदर। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और हम लेट भी हो चुके हैं, तो फटाफट से चलते हैं कॉलेज। नहाना धोना ब्रश करना सब कुछ कंप्लीट हो गया और आज सो के उठते उठते ही हम नहा लिए, तो अब डायरेक्ट चलते हैं कॉलेज में आप लोग से बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील कर रहे हैं अभी हम। कल भी मेरी ट्रेन इधर ही रुकी थी और ये ट्रेन इधर ही खड़ी थी, आज भी इसका सेम है, इस कंडीशन है। पता नहीं ये ट्रेन यहाँ पे 10-15 साल रुकेगी क्या। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, क्लास हमारी ख़त्म हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। भाई साहब गर्मी इतना ज़्यादा चरम पे है ना, मन कर रहा है इधर नाला बह रहा है, नाला में ही कूद जाए, एंड रिलीफ तो मिलेगा बट आगे पछतावा भी होगा, खसड़ा उछड़ा हो जाएगा। तो आज वापस से जा रहे हैं हम अपने फेवरेट प्लेस पे, तो इसलिए अपने दोस्त के साथ हम वापस से जा रहे हैं बाहर। हम हमेशा जाते थे वहाँ पे KFC, बट आज हम जाएंगे यहाँ पे। एक सेकंड, नहीं दिख रहा होगा आपको, ये देख लो मैकडोनल्ड। वाओ, ऑर्डर एंजॉय करते हैं फिर डायरेक्ट घर। एक नया ट्रिक मैंने यूट्यूब से सीखा था स्ट्रॉ निकालने का पैकेट में से, ये देखो ये सच में काम कर गया। देखो खाना पीना तो हो चुका मेरा, बट यहाँ पे देखो ये कितना ज्यादा एडवांसमेंट है ना, तो अब चलते हैं यहाँ से। स्टेशन पे आ चुका, बारिश का मौसम लग रहा है हमको और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ वंदे भारत का, क्योंकि आज पहली बार हम उसको सामने से देखेंगे खुलते हुए, गेट उसका खुलते हुए, तो हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। आ गई। रुक गई। ये देखो ये कैसे खुलेगी, खुल जा, नहीं खुली, स्टॉपेज तो इधर ही है। हाँ खुली, ए ये देख लो भाई साहब, सही लग रही है ना, अंदर घुसने में डर लग रहा है हमको। सोचो इसके सामने खड़ा हो रहा हूँ तो इतना तेज AC का हुआ रहा है, अंदर जाऊँगा तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। भैया इसमें जनरल वाला टिकट लेके नहीं जा सकते हो, देखो इनको, इन लोग को हटा दिया। अरे बरसात भी आ गई है देखो, हाय हाय, आज का मौसम लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सुहाना होने वाला है। सबसे पहला चीज़ आप लोग को दिखाते हैं कि स्टेशन पे किस तरीके के डेंजर और नशेड़ी इंसान आते हैं, ये देखो सबसे पहला, इसको देख रहे हो, ये अपने दुनिया में लापता है, इसका चश्मा गिरा हुआ है, ये सोया है किस तरीके से इसको खुद नहीं पता है, और मतलब ये पूरा तरीके से ड्रिंक है। अब आते हैं सेकंड पे, ये देखो भाई सबसे खूंखार इंसान, आप लोग को हम पीछे से दिखाते हैं, ये देखो इसका, ये देखो ये अंगूठा पूरा कट चुका है, ठीक है मैं यहाँ पे चिल्लाएंगे नहीं, तो अंगूठा इसका पूरा कट चुका है, मक्खी बैठ रही है फिर भी ये सोया हुआ है, इतना नशे में है, ठीक है ये। तो देख लो ऐसे ही इंसान आते हैं आपके पास, अचानक से बैठ जाएंगे और कुछ भी पूछने लगेंगे, तो ये सब चीज़ डराती हैं, ठीक है सबसे पहला ये। ये दादी तो मेरे साथ तब से हैं जब से हम यहाँ पे रहना शुरू किए हैं, तो ये एक तरीके के यहाँ की परमानेंट मेंबर हैं। स्टेशन पर रह के उस सच्चाई को देखा हूँ जिस सच्चाई के साथ गरीब बच्चे भीख मांगते हैं यहाँ पे, और उन लोगों को भी देखा हूँ जो कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात धूप में मेहनत करते हैं और रात में आके स्टेशन पे सोते हैं, वो भी जमीन पे। लीची खाने के साथ अपने व्लॉग को करते हैं अब एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी नींद खुल गई, देखो सुबह के 5 बज रहे हैं और ये क्या हो रहा है।